कन्फेशन है, मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपको ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी आप सही कहते थे, मैं बेकार भी सोचता रहता था। क्या बेकार, ये सब चीज़ों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा। मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ चलो ना, कहाँ चलना है। मैं गया उसको जा करके उस मॉल में, मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की सेकंड लेवल पार्किंग की। वहाँ पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आ करके मैंने कहा आज आना जरा बैठना यार, मेरे साथ कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं, मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था। तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने स्टेयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। आपको नहीं मिलेंगी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसके मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खड़ी होगी। सर जैसे आपने बोला कि BMW के बारे में सोचना, मतलब हमको सोचना है कि सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने द सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बच्चे को साइकिल का जो उसका एग्जांपल दिखाते हैं तो वो बच्चा सोचता है साइकिल के बारे में तो उसको मिल जाती है। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि वो गलत है? ये गलत नहीं है, ये बहुत बड़ा मजाक है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरे एक बहुत जल्दी एक सेशन होने वाला है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। डिटेल में इन सब चीजों के बारे में मैंने बात करी है, बट अभी अभी जो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ। सिंपल, एक बच्चा है, उसको एक साइकिल चाहिए। वो कहते हैं उस बच्चे को बैठ करके रात को सोते टाइम, मतलब उसको खोल करके उसको जो भी अपना उसमें साइकिल की फोटोग्राफ है उसको देखता रहे, उसको सोचता रहे, उसको फील करता रहे, बिल्कुल ऐसे सोचे कि मेरे को वो साइकिल मिल गई है, बस घर के बाहर गेट खुलने ही वाला है और साइकिल खड़ी हुई है ना। मतलब ये उसमें बताया गया, ये बताया गया। और अच्छा एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिकली अगर आपने मेरे जितने भी सेशन देखे होंगे आपने नोट किया होगा मैं कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलता। तो लाइफ में पहली बार मैं किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करके, लेकिन ये करना जरूरी है। मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है लेकिन ये करना जरूरी है, आपके लिए अच्छा है, यही मेरी जिंदगी है। तो कहिए कितना बेवकूफ आदमी है यार, कितना कितना बेकार आदमी है, देखो कितना उल्टा बोल रहा है उसके बारे में, लेकिन मुझे जो सच लगता है मुझे तो बोलना ही है ना यार, मुझे बोलना मेरे बारे में। आप लोगों को मेरा दिल नहीं छोटे कि आपका अच्छा। अब वो बच्चा सोचे जा रहा है मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है, उसका डिजायर बढ़ता चला जा रहा है उस साइकिल के बारे में, बढ़ गया ना। एक बच्चा है बेचारे, बच्चे का क्या दिमाग होता है सोच के देखो जरा। एक बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती वो साइकिल घुस गई जाकर जो नहीं थी, और उसने ये भी पूछा कि क्यों चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो ये एक रास्ता है जो उन्होंने बताया, मैंने जो रास्ता बताया अनस्टॉपेबल सेशन में, मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे को साइकिल चाहिए जाकर के अपने पापा को बोलो पापा साइकिल दिला दो। क्या होगा मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 50% केसेस में क्या होगा कि उसके फादर अफोर्ड कर सकते होंगे वो साइकिल। दो सिचुएशन है ना, एक है कि उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एक है नहीं कर सकती। जब कर सकती है और जा करके मांगेगा वो साइकिल तो अब उसके साइकिल मिलने के चांसेस क्या है, 100%। और अगर वो किसी को ना बोले और बैठ करके रोज रात को सोचता रहे मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, और मुझे मिलेगी कभी ना कभी मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, और वही वाली मिलेगी और कहीं से आएगी, तब क्या चांसेस है? जीरो नहीं कह सकते,
जीरो नहीं कह सकते क्योंकि लॉटरी लगने के चांसेस भी लाखों में एक होते हैं। लाखों में एक, मैं ये नहीं कह रहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके होने की। अब आ जाओ दूसरे केस में जहां पे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है, वो क्या है कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर के जा रहा हूं, आपके घर में कोई मेड्स वगैरह काम करती होंगी, है ना, मेड सर्वेंट्स होगी, कितने लोगों के घर में है मेड्स हैं या फिर कोई प्रेस वाले हैं जहां से हम अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं और करवाते हैं। सपोज उसके बच्चे ने कहीं से वीडियो देख ली, छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया, अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और रोज रात को बैठ करके अगर बच्चा इस साइकिल के बारे में सोचने लग जाए तो उसकी लाइफ कैसी होगी, ये बेटर है या फिर ये बेटर है कि वो साइकिल के बारे में जा करके अपने घर वालों को बताए और उसके घर वाले बोले कि बेटा नहीं मिल सकती तेरे को साइकिल, पिट्ठू खेल और मजे कर, क्या बेटर है, क्या बेटर है? या तीसरा ऑप्शन, ये था दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कि वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। या उसमें एक और एग्जांपल था नेकलेस वाला, आपने देखा होगा एक लड़की ने एक नेकलेस को देखा और देख करके कहीं से किसी चमत्कार की वजह से वो नेकलेस अपने आप उसके पास में आ गया कुछ दिन के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सीक्रेट में जितनी भी बातें बोली गई वो सब गलत है, बहुत सारी बातें जो बिल्कुल सही है, 100 out of 100 परफेक्ट है। जैसे एक आदमी का एग्जांपल दिया था जो एक हॉस्पिटल में था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने क्या सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को वो चाहिए, हॉस्पिटल से निकल करके गाड़ी चाहिए, उसने ये सोचा कि अगर मैं ठीक हो गया, उसका मकसद देखो, पर्पस देखो क्या था, वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किसी तरीके से ठीक होना है क्योंकि मैं अपने आप में एक एग्जांपल बन सकता हूं आने वाले टाइम में लाखों लोगों के लिए और मुझे यहां से निकलना है अगले 6 महीने के अंदर, तो निकल गया। उसने कहां फोकस किया, काम पे किया, किसी चीज पे नहीं किया। मतलब कि आप अपने आप को तो बदल सकते हो, सिंपल वे में जो मैं बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप खुद पे लगाओ, किसी काम पे लगाओ, किसी दूसरे इंसान पे, किसी चीज पे। हम ये गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक मैंने अपने फ्रेंड को देखा, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब निकाला, उसने ये सोचना शुरू कर दिया मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा नहीं करेगी, मेरी वाइफ एक अच्छी इंसान बन जाएगी। लिटरली वो बंदा ये कर रहा था, लिटरली, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से लगा रहा था, मतलब वो कहां लगा रहा है, खुद पे नहीं लगा रहा, किसी दूसरे इंसान पे लगा रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू कब अच्छा इंसान लग रहा है, तुझे बता, सोचो, समझ गए। पर आप दूसरे आदमी को नहीं बदल सकते, इसलिए वहां पर टाइम वेस्ट करना छोड़ो, चीजों को पाना, चीजों को हासिल करना, ये मेंटालिटी को छोड़ करके अपने आप को इतना काबिल बनाना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। अपने दिमाग में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दो कि मेरे 90% आएंगे, 90% आएंगे, 90% आएंगे, मान लो, सोचना शुरू कर दो। और जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, वो क्या करेगा, आप उसे मांग रहे हो, वो आपका पेपर चेक कर रहा है, चांस की बात है, उसके साथ में बैठे हुए हो, भैया प्लीज दे दे यार, प्लीज दे देना, क्या कर रहा है यार, दे दे 90%। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ लव, आपने क्या किया, आपने अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया, एक भ्रम क्रिएट किया कि मुझे किताबों से प्यार है, फर्क है थोड़ा सा, मुझे 90% चाहिए, मुझे किताबों से प्यार है, जो नहीं है भ्रम है, किसी को नहीं होता, मुझे नहीं है। जैसे मैंने किया था एक बार 1200 में, जब मेरे 85% आए थे, उससे पहले 60-70 इस रेंज में घूमता रहता था मैं, तो मैंने क्या किया, 6 महीने बाद में मुझे किताबों से प्यार नहीं था, लेकिन बुक्स की जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो 6 महीने बाद मेरी जितनी पुरानी बुक्स थी उनको सबको हटा करके, रद्दी वाले को दे करके सारी नई बुक्स खरीदी, तो खुशबू मुझे अट्रैक्ट करने लगी उस बुक्स की, मैं कहा बुक से प्यार है। इल्यूजन आपने क्रिएट किया और फोकस कहां पे किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हो, मुझे बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार, वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन अगर आपको बुक से प्यार हो गया, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर के देगा लो 95%।
एक कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस जगह पे यूज करने से अच्छा कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, उसको इस जगह पे यूज करो, आई लव माय कंपनी, मुझे अपने जॉब से प्यार क्यों है, ये भी हो गया, व्हाट टू फोकस ऑन, व्हाई टू फोकस ऑन, मुझे अपनी जॉब से प्यार है, क्यों प्यार है, लिस्ट बनाओ, 50 चीजों की लिस्ट बनाओ, मुझे अपनी जॉब ये इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए 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 इसलिए, जिस दिन आपको सच में प्यार हो गया ना अपनी जॉब से, आपका सीनियर आएगा कहेगा ले भाई प्रमोशन, मेरी सीट पे वरना मांगने वाले तो बहुत बैठे हैं लाइन पे, 50 बंदे बैठे हैं भाई साहब मेरे को प्रमोशन, मेरे को देखो, मेरे को देखो, मिलेगा उसी को जो डिजर्विंग है, तो खुद को काबिल बनाओ, चीजों के पीछे भागना छोड़ो, ये आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, सबको आता है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को, आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो, गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, तो गुस्सा क्या है, ये डांस के जैसा है भाई, कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है, डांस आया है, डांस आप करते हो, आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, क्या नाम है आपका, जय, तो जय भाई कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे या किसी भी वजह से बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया, कई बार हुआ है और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा, रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, होता है, सबके साथ होता है, तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो, अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार, कोई भी है जो ऐसा करता है, एनीबडी, कोई नहीं करता, तो क्या करते हैं उस समय, हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से, यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे, दो, तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा, उस वक्त आप क्या करते हो, जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते हो, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है, तो अब जरा ध्यान से देखो इन दो सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से, सिचुएशंस दो हैं, एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है, आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको बॉस को तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई, तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है, क्या घर छोड़ के चला जाएगा, क्या पलट करके मुझे मारेगा, क्या गालियां देगा, क्या करेगा, डर जाएगा, तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं, ये आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है,
अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है।